रोइए मत आप, कोई नहीं, जो भी ये वीडियो देख रहा है पर क्या सपोर्ट मिलेगी आपको, इतना मैं कह रहा हूँ आपको। घर ये इसका पेट निकलता आ रहा है, इसके पूरी बॉडी देखो, हाथ पैर पतले उठते जा रहे हैं। तो ये 3 साल का है, 3.5 साल भाई, 3 साल का बच्चा आप देखो, इतना कमजोर और हाथ दे सकते हो भाई, ये देखिए भाई, और एकदम पूरी है ना, नसें दिख रही होगी, ये देखिए आप। कैसे बैठो। सबसे पहले तो नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजू है। अच्छा, और आपका नाम? तो मतलब कैसे कि आपने घर से स्टार्ट करा है, तो कुछ बताओ इसके बारे में। हमारे यहाँ हम लोग ऑर्डर से खाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज बना के रखें और फिर हम लोग आगे सर्व कर सकें। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हम पहले ऑर्डर लेते हैं फिर हम आगे देखते हैं, क्योंकि वो लोग ऑर्डर में क्या होता है, थोड़ा बहुत एडवांस दे देते हैं, तो हम लोगों को खाना दे सकते हैं। और यहाँ क्या होता है कि अगर जो लोग जिन लोगों की शॉप है, तो उन लोगों के पास इतना होता है कि वो शॉप से रख सकते हैं। और हमारा मेन जो फोकस है वो ये है कि हमें थोड़ा बहुत ऑर्डर आ जा अभी आ रहा है, तो उससे होता है जो यहीं के लोग आसपास के देते हैं, इतना ज्यादा नहीं है, मतलब 2-1 दिन में कोई 1-2 प्लेट छोले भटूरे मंगा लेता, कोई 2-4 समोसे मंगा लेता है, कभी आलू के पराठे मंगा लिए, इस तरह से। तो ऐसी क्या सिचुएशन आई जो आपको ये सिचुएशन? सर ऐसी आई कि तो सारा कुछ था हमारे पास। अच्छा। कोविड के बाद आप जानते हैं कि क्या क्या हालात, बहुत सारे प्रकार वैसे ही हमारे कुछ ऐसे हुआ, जैसे आप देख रहे पा रहे हैं मेरा पैर में कोई हुआ है, ठीक है ना। तो हमने तो ये शुरू से स्टार्टिंग से मैं वेबसाइट वगैरह बना रहा था। अच्छा। खुद का बिजनेस ही था सारा, कोविड में खत्म हो गया। अच्छा। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था आपकी दिल्ली में, आगरा से आए थे हम। अच्छा। तो तंदूरी चाय स्टार्ट किया था, कोविड में वो भी बंद हो गया। अच्छा। उसके बाद हम यहाँ पर आए, कुछ काम चला नहीं, ये भी पार्लर का काम करते हैं, पर वो ये है कि महीने में 2-3 बार चले गए तो इससे खर्चा नहीं, क्योंकि जिन लोगों के पार्लर की शॉप होती है कस्टमर उन्हीं के पास आते हैं, घरों में लोग नहीं आते हैं। तो यहाँ खाने का काम इसलिए स्टार्ट किया जिससे कि थोड़ा बहुत घर में पैसा भी आए। अच्छा। क्योंकि मेरी जो बेटी है वो बहुत ज्यादा बीमार है इस टाइम पे, मैंने आपको अपनी बेटी दिखाई थी, तो इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी का भी ट्रीटमेंट करा लूं। इधर हमारे जो मकान मालिक है उनका भी किराया बहुत ज्यादा रुक गया है, उनके 7-8 महीने का किराया हो गया है, क्योंकि पहले मेरा बेटा बीमार हो गया था, फिर मेरी बेटी बीमार हो गई, अब बेटे का ट्रीटमेंट कराया, फिर बेटी बीमार हो गई, तो मैं ऑनर का किराया नहीं दे पाई, घर में खाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में नहीं आता है कहाँ से लाएं कहाँ से लाएं, मतलब इतनी परेशानी हो गई है कि मतलब क्या बताऊं मैं आपको, बता नहीं सकते, ऐसे ऐसे सिचुएशन है, खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी एक टाइम ही खाते हैं, बच्चे भी मांगते हैं, हम बच्चों की कोई वो पूरी नहीं कर सकते कि बच्चे कुछ कह दे कि हमें ये चाहिए, हमें कुछ बाहर का चाहिए, नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इतनी मजबूर हो गई कि सबने मना कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, मतलब एक वक्त तो ऐसा आया कि सब कुछ ख़त्म कर दें, बस अब तो बस ऊपर वाला बुला ले। रोइए मत आप, कोई नहीं, जो भी ये वीडियो देख रहा है पर क्या सपोर्ट मिलेगी आपको, इतना मैं कह रहा हूँ आपको। गारंटी से रोने से देखो किसी का कोई समाधान नहीं निकलता, ये चीज आपको भी पता है, पर क्या करें अब, जैसा भी है, फिर हमने स्टार्ट किया जी। अच्छा। फोन मैसेज किए कई लोगों को। अच्छा। अब देखो हर किसी बात टाइम नहीं होता, सबके अपना वो है। पर आप आए हैं हमारे लिए बहुत मेहरबानी, आप आए कुछ हमारा भला होगा, हमारे बच्चों कोई नहीं, आपसे हमारा भी भला होगा, ऐसा कुछ नहीं, आपकी वजह से ही हम चीज हो गया है। आप थोड़ा सा अपना, हम चाहते हैं कि लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं, तो आप किस तरह का सपोर्ट मांगना चाहते हैं? क्योंकि इस टाइम पे मेरी बेटी की सिचुएशन बहुत ज्यादा और कि मुझे बस उसका ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं चाह रही हूँ एक छोटी कोई शॉप खोल दे जहाँ से मैं अपना ये खाने का काम स्टार्ट कर लूँ और अपनी बेटी का ट्रीटमेंट। तो आप क्या क्या सेल करते हैं, मतलब कि क्या क्या बना लेते हैं? सर बनाने को तो बहुत कुछ बना लेते हैं। अच्छा। छोले भटूरे, आलू पराठे, समोसे, वेज नॉन वेज। अच्छा। तो आपकी पहले भी थी शायद? मेरी पहले भी थी, मेरी इंदिरापुरम गाजियाबाद में थी ना, तंदूरी चाय बनाते थे। अच्छा। ठीक है ना, तो दिल्ली एनसीआर में मेरी थी, पर जो भी थोड़ा बहुत कभी ऐसा अभी जब सैनिटाइजर और वो दिया था उसका थोड़ा सा ये लोगों को पता चला है, तो कभी 2 प्लेट का ऑर्डर आता है, कभी 3 का, कभी 1 का, ऐसे ही खाना बनाते हैं। जो पहला ऑर्डर था वो सरिता मेहम का ही था। अच्छा। जो पहला ऑर्डर आया वो उन्हीं का आया। अच्छा।
उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा था जाते हुए ले जाते हुए, तो फिर लोगों ने पूछा कि आपने स्टार्ट किया, मैंने बोला हाँ मैंने किया, आपको बताना, अगर किसी को भी चाहिए तो प्लीज बताना, तो आप किसी को थोड़ा बहुत चाहिए तो लोग बोल देते हैं। तो पहले आप जॉब करते थे या स्टार्टिंग से हाउस वालों कैसे था? सर मैंने जॉब भी की है। अच्छा। और पार्लर का भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब पार्लर का आता सारा कुछ है मुझे, लेकिन शॉप नहीं है थोड़ा बहुत ही कर तो जॉब आपने करने की सोचा नहीं कहीं? सर मैं जॉब वॉब करने के लिए था ना, मैं इतना एजुकेटेड नहीं। अच्छा ठीक है ना, बस मैंने हाई स्कूल किया है और हाई स्कूल के लिए तो आप समझते ज्यादा हो सकते वो ज्यादा सारे चौकीदारी कराएंगे वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं मैं भी जब मार्केट में निकलता हूँ मैं भी देख रहा हूँ बीटेक करके बंदा चाय बेच रहा है, एमबीए करके बंदा इडली बेच रहा है। पर हाँ मैं इतना जानता हूँ कि हम जिनको भी खाना खिलाते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि आपका खाना बहुत अच्छा है, तो इसी सोच को लेकर हमने सोचा चलो हम खाना का स्टार्ट। तो आपने इस चीजों का प्राइस कितना रखा हुआ? ये हमने भटूरे की प्लेट जिसमें दो भटूरे होते हैं, अचार होता है, सलाद होता है, अच्छा 50 रुपए का रखा है। 50 रुपए के दो, 50 रुपए के दो पराठे रखे। और चाय का? चाय का हमारा ये 20 रुपए की चाय कुल्हड़ वाला, 15 रुपए की सादा। अच्छा सिंपल गिलास? सिंपल। अच्छा तो आप घर से ही कर रहे हैं? और समोसे भी बनाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई और कुछ और भी बता देते, जैसे जो भी जैसे डिमांड है कस्टमर की उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं? जब कुछ हम बनाया नहीं करते, जब कहते हैं जैसे आपने ऑर्डर दिया तो तभी हम आपको फ्रेश बनाएंगे। यहाँ क्या है कि जैसे कि मैंने लोगों से बोल रखा है कि अगर जो आप लोगों को छोले भटूरे चाहिए तो प्लीज मुझे एक दिन पहले बताएं। हाँ जिससे कि मुझे बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों के लिए भी लेट नहीं होगा, क्योंकि छोले भी भिगोए जाते हैं समथिंग ज्यादा नहीं तो 8 मिनट में भिगोए जाते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे छोले भटूरे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे चाय भी है, जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आज आप पहले ही बार मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि मेरे को भी मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा है। और आप छोले भटूरे भी देख सकते हो, 50 रुपए के दो पीस है ये, और छोले देख सकते हो आप, छोले में भी बढ़िया से एकदम रंगत आ रखे है। ये देखिए क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखा है, अचार भी है, सैलेड भी है, और हमने दो चाय इनसे करवाई थी, बनवाई थी मतलब, और एक प्लेट हमने छोले भटूरे इनसे लगवाए थे जो कि इन्होंने अभी बनाए भी है, और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है। बस यही है कि सिचुएशन ख़राब चल रही है, मैं तो इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, कि भाई देखो सपोर्ट हर तरह की होती है। मैं ये कोई भी बंदा वीडियो देख रहा होगा ये नहीं चाहता होगा कि कोई भी यहाँ के नहीं खा सकता भाई, ठीक है ना, कोई घर पर मंगा सकता, किसी के भी नियर बाय होगा तो बंदा मंगा सकता है उस चीज़ को, पर मैं तो ये बोलूँगा कि हर बंदा 10-10 रुपये नहीं दे सकता, मेरे को पता है, पर हर बंदा 1-1 रुपए भी देगा ना इस वीडियो के माध्यम से तो भाई इनकी काफी सपोर्ट होगी, इनकी फैमिली प्रॉब्लम सारी सिचुएशन खराब है, आप भी आओ, आप भी दे सकते हो। तो भाई मैं ये बात नहीं बोलूंगा कि आप इनकी पैसों से सपोर्ट करो या खाने से करो, आपको जैसा अच्छा लगे, जो भी लोकेशन होगी, एड्रेस होगा, इनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, सारा मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप खुद भी आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। और काफी टाइम से ये प्रॉब्लम है, इन्होंने काफी बंदों को मैसेज करा पर हर किसी का रिप्लाई भी नहीं आया, तो अभी किस किस का आया आप बताओ मेरे को। अभी आपका है और सरिता जी का है। अच्छा। और मतलब यहाँ आ चुके हैं दो तो लोग, और एक और है कोई, उनका रिप्लाई आया बोला थोड़ा टाइम नहीं है। अच्छा। तो एक दो हफ्ते में जब टाइम मिलेगा तब आऊंगा। अच्छा तो एक बार आप दिखाओगे बच्चे की क्या कंडीशन आप बता रहे हैं? तो इतने भाई हम ये भटूरे टेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए इन्होंने अभी बनाए थे गर्मा गर्म, ये देखिए ये भटूरे इनके भाई, और दुकान से सस्ता ही प्राइस रख रखा भाई, कहीं भी आप खाओगे ना 60-70 रुपए के 80 रुपए के मिलेंगे, पर आपको घर वाला टेस्ट मिल रहा है एकदम माँ के हाथ वाला। भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि अच्छे भी रेस्टोरेंट में आप खाओगे इतना टेस्ट नहीं मिलेगा जितना टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये इनका देखो बेबी है, कितने साल का है अभी इसकी एज? 3 साल की लड़की है। कितने है टोटल आपको बेबी? हमारे 3 बच्चे। 3 बच्चे। अच्छा तो क्या सेलर के लड़की है? नहीं 2 लड़कियां हैं। अच्छा तो इनको क्या प्रॉब्लम है अभी? सर जैसे कि आप देख रहे हैं ना, जैसे इसका पेट निकलता आ रहा है, इसके पूरी बॉडी को हाथ पैर पतले उठते जा रहे हैं। और ये 3 साल का है? 3.5 साल का। भाई 3 साल का बच्चा आप देखो इतना कमजोर और हाथ दे सकते हो, ये देखिए भाई, और एकदम पूरी है ना नसें दिख रही होगी, ये देखिए आप, और इतना बड़ा पेट नहीं होता भाई 3 साल के बच्चे का, ये आपको भी पता होगा, ये देखिए सारी नसें दिख रही यहाँ पर। तो डॉक्टर को आपने दिखाया, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर जाने की
डॉक्टर भी गवर्नमेंट भी लेके जाते हैं, तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, दवाइयाँ नहीं देते हैं, और डिस्पेंसरी वगैरह लेके जाते हैं, बोलते हैं कि बच्चे वाले डॉक्टर पे स्पेशलिस्ट को दिखाओ, मतलब अब मेरे पास नहीं है इतना कि मैं फिर दिखा सकूँ, मतलब आप फंस रखे हो उस टाइम, इसमें बहुत फंस रखे, या तो हम इनको खिला ही सकते हैं कुछ, या फिर दवाई दिलवा सकते, दवा के लिए भी तो बार बार जाना पड़ता है, इतना किराया भाड़ा भी होता है, आप समझ सकते हैं दिल्ली में कोई आसपास जगह तो होती नहीं, रोज कहीं भी जाओ तो 200-300 रुपये तो किराए में चला जाएगा, इतना नहीं कर पा रहे हो, हम तो कभी कभी खाना खाते ही नहीं, खाते ही नहीं चक्कर में, क्योंकि बच्चों को जरूरी खिलाना, ये मैंने तो कभी खाया कभी खाया कुछ पता नहीं, जितने सरिता जी ना कितनी कि पैसा नहीं तो फिर क्या करें, सोचते सुसाइड करने को बोलते बच्चों का क्या करें, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रही, सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे और अपने बारे में क्या उनको कुछ बोलना चाहोगे आप बताइए। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, आप आए हमारे घर देखें क्या सच है क्या झूठ है, सारी चीजें देखें, तब आप अगर चाहें हमारा सपोर्ट करें तो करना करिए, अन्यथा ना करिए, आपका सब भला हो, बजे ही चाहता हूँ। और आप मैंने कुछ बोलना चाहूँगा, मैं भी यही बोलना चाहूँगी जो सर ने बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यहाँ आएँ, एक बार चेक करें और हमारे यहाँ का खाना खा के जाएँ और हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। तो भाई मेरे को तो ये खाना काफ़ी अच्छा लगा है, और जैसे कि भाई मैम की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, एक बार मैम बताइए। और सर अभी किराए के लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, जो गैस का बिल था उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ऑनर ने बोला था कि आपका गैस अगर जो आप बिल नहीं भरोगे तो गैस कनेक्शन कट जाएगा, क्योंकि 7 महीने का गैस का हो गया था। अच्छा। तो जब सरिता मैम आई थी जो गली गली जायका वाली, तो जब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया तब मैंने अपना गैस का बिल आधा पे किया था, फिर एक जगह से और थोड़ा सा काम मिला तो मैंने 3 बार में उनका गैस का बिल पे किया, तब जाके अभी आज खाना वाना तैयार होता हुआ है, तो कट ही जाता। तो मतलब आपको भी कुछ प्रॉब्लम जैसा है? हाँ, उनको भी हाइपोथायराइड है और माइग्रेन है, इनकी भी हम दवा नहीं दे पाते, क्योंकि हम दवा किस किस की कराएं, बच्चों की कराएं कि इनकी कराएं, इतना नहीं है हमारे पास कि मतलब वो दवाइयाँ होती है ना सरकारी दवाइयाँ, क्योंकि वो भी दवाइयाँ लेने जाओ तो वो लिमिटेड होती है, वो कहते हैं एक्सपर्ट मतलब चेक करवा देना, हाँ वहाँ जाओ उनसे दवा बाहर की भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता, मतलब बहुत परेशान है, बस कुछ मतलब क्या कहें कैसे कहें, बस बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैं तो सब इतना ही चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आना चाहे आ सकता है, और हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें पैसा चाहिए, नहीं, आप हमारे पास आइए, खाना खाइए, अच्छा लगे तो लोगों को बताइए, और जैसे आप पार्टी वार्टी करते घर में, छोटी पार्टी होती है जैसे किटी पार्टी होगी या बच्चे का किसी का बर्थडे होगा, तो आप कुछ भी होता है आप हमें बताइए, हम साकेत नेवसराय में रहते हैं, इग्नू रोड के पास, इग्नू रोड पे मतलब साकेत इंदिरा इंक्लेव इग्नू रोड नेवसराय गांव, वहाँ रहते हैं बी ब्लॉक हम, और यहाँ के आप 5-6 किलोमीटर के आसपास कहीं भी रहते होंगे तो हम आपको डिलीवरी भी करवा देंगे, ठीक है। और मेरा जो फोन नंबर है 888-25-69-015, इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप आओ, आप पूरा संतुष्ट हो जाओ खाने से, उसके बाद हमें आगे आप ऑर्डर देना चाहो जैसे भी वो आप कर सकते हो। तो सर बस हम तो इतना ही चाहते हैं कि लोग हमें इतना सपोर्ट करें कि बस हम एक ज़्यादा नहीं अपनी स्टॉल भी लगा लें, वहाँ से क्या है ना कि हम अपना छोटा सा बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते खाने का, तो लोग आएंगे खाएंगे संतुष्ट होके जाएंगे, उनका दिल खुश हो जाएगा खाना खा के, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, बस हमें इतनी जगह मिल जाए, इतना लोग सपोर्ट करें कि हम एक स्टॉल लगा लें, छोटा सा आप स्टॉल लगा लो और अपना खाना है जो भी, जैसा कि आपको बताइए मेरे घर में पोलियो है, चल लेता हूँ पर इतना हार्ड वैसे काम नहीं कर सकता कि मैं मजदूरी भी करूँ, अच्छा ठीक है। तो हमारे यही गुजारिश है, अगर कोई हो ऐसा जो हमारी हेल्प कर दे तो हम स्टॉल वगैरह लगा लें या दुकान लगा लें, ताकि जो हम खाना भी खिलाना चाहते हैं, हम अपना लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम खाना बनाते जो अच्छा होता है, नहीं, मैंने भी टेस्ट करा, अच्छा है खाना आपका, तो सारे लोग खा सकें, तो बस मेरी यही गुजारिश है कि लोग हमारा खाना खाएं, हमारी हेल्प करें, ताकि हमारे बच्चे की थोड़ी समस्या जो है पेट की वो सारी सही हो जाए, बाकी ऊपर वाला सबका भला करें और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे।